आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। जज्जर पहुंचे हैं सचिवालय में और एक मुद्दे, जनता के मुद्दे को लेकर लोग इकट्ठा हुए हैं। जज्जर में देशवाल कॉम्प्लेक्स का एक मुद्दा है, वहां पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, गली में पानी भर जाता, दुकानदार इकट्ठे हुए हैं सारे और गणमान्य लोग हमारे साथ हैं। आज पहुँचे डीसी ऑफिस में कंप्लेंट लेके। आइए बात कराते हैं, क्या मुद्दा है, किस तरीके से इसको सुलझाना चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या मुद्दा है, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा डिटेल से कि किस तरीके से परेशान हैं और आज किस वजह से यहाँ सचिवालय में पहुँचे। देखो, झज्जर का सबसे प्रतिष्ठित कॉम्प्लेक्स, देशवाल कॉम्प्लेक्स से लगभग 300 दुकानें हैं उसमें जी, और वहाँ के आज दुकानदार डीएमसी सर से मिले थे, प्रवेश कादयान जी से। तो उधर क्या दिक्कत है, पूरी जो मेन गली है उसमें बगैर व्हीकल के आप निकल नहीं सकते पैदल। अच्छा। इतनी बुरी कंडीशन है, नालियां ब्लॉक हैं और मेन रोड, मेन जो गली है वो टूटी हुई है, लगभग 14-15 साल पहले बनी थी, उसके बाद ना तो कोई मेंटेनेंस हुआ है ना, और इससे पहले भी हम डीएमसी प्रदीप कौशिक जी से भी मिले थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था हम जल्दी ही करेंगे, लेकिन 2 साल हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने एक पुलिया बनवाई थी, हमने रिक्वेस्ट की कम से कम इंट्रेंस के अंदर जाने के लिए तो रास्ता गाड़ी गुड़ियों के लिए तो ठीक हो, वो भी जब बनवाई थी 15 दिन के अंदर वो भी फिर तहस नहस होगी, वही सेम कंडीशन अभी होगी। तो हम आज डीएमसी सर से मिल के इस पूरी प्रॉब्लम बताई है, जितना जल्दी हो सके वो काम करवाओ, क्योंकि जो मेन गली है वही खराब होगी तो अंदर ग्राहक जाएगा कैसे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ दिन के अंदर हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर प्रायोरिटी बेसिस पर करवाएंगे। दुकानदार काफ़ी आक्रोशित हैं और काफ़ी दिन पुरानी बातें, समस्या है, अगर करवा देते तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है जल्दी करवा दें, और नहीं तो हम मेन रोड को ब्लॉक करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई प्रशासन देखे। तो सर ये समस्या जो उत्पन्न होती है ये मेनली बारिश की वजह से होती है कि लगातार किस तरीके से ये पानी खड़ा रहता है? नहीं, नालियाँ ब्लॉक हैं। अच्छा। हमारे तो सर्दियों में भी वही कंडीशन है, गर्मियों में भी वही कंडीशन है, और बरसात में तो ऑटोमेटिक होनी है। अच्छा, तो ये नालियों में जो पानी है ये नाली साफ ना होने की वजह से खड़ा रहता है? बिल्कुल, हाँ, नाली टूटी हुई है, बिल्कुल, नालियों का पानी भी सड़क उस नाली पर गली पर आ जाता है, और सीवर भी हैं वो ओवरफ्लो हैं, और जबकि वो गली है वो भी सारी डैमेज हो चुकी है, सारी ईंटें उखड़ी हुई ऊबड़ खाबड़ हैं, आम आदमी भी वहाँ जाने के लिए बहुत उसको मस्कत से जाना पड़ता है। इससे पहले भी हम चेयरमैन जिले सिंह सैनी से हम मिले थे, उन्होंने हमारे को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि भाई मैं अप्रैल मई के मैं जब नया बजट आएगा उसके तुरंत बाद आपका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई उसकी सुध-बुध नहीं है। तो हम तो डीएमसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करके आए हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य से हमारे को निजात दिलाई जाए, क्योंकि ऊपर से बरसात का समय आ रहा है, काफ़ी समस्या झेलनी है, लोगों के व्हीकल आते हुए छींटे लग रहे हैं, तो इससे हमारे को छुटकारा दिलाया जाए, जल्दी से बनाने का इसको। दुकान यहाँ पे किन किन की है, दुकान जैसे जहाँ सभी की दुकान नहीं है? अच्छा, तो दुकानों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जहाँ पे जिस तरह ग्राहक का आने में दिक्कत हो रही है, कस्टमर नहीं आ पा रहा है, ग्राहक अंदर आना ही नहीं चाहता है इतनी गंदगी के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, अगर गाड़ी में आता है, गाड़ी के जो पानी होता है वो छींटे लगते हैं, अड़ोस पड़ोस की दुकानों में पूरा बहुत मुश्किल है बचाना, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, शीशे गंदे हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बदबू की समस्या है, मच्छरों की समस्या। हाँ, साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो इसके लिए आपने लिखित में इसके लिए कोई कंप्लेंट दी है कि किस तरीके से, अभी सिर्फ आपने बातचीत लिखित में दी है डीएमसी साहब को? हमने लिखित में सारी चीज़ें एक एक चीज़ बारीकी से दे करके आए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट भी करी है कि प्लीज़ सर एक बार आप विजिट करके देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे को करवाना, नहीं मत करवाना, अगर हम गलत कह रहे हो तो। उन्होंने हमारे को आश्वासन तो दिया है और जिले सिंह सैनी ने भी हमारे को आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई सुध-बुध नहीं हुई है उसकी। अगर ये नहीं होता है तो हम इसके लिए बार बार आएंगे, डीसी साहब से मिलेंगे और अधिकारियों से मिलेंगे। देखो, समस्या है हमारी, आम समस्या है, आप आने जाने वालों के व्हीकल जब आते हैं छींटे लगते हैं। कितने दिन हो गए सर लगातार ये आपको कंप्लेंट देते हुए इसके लिए? ये हमारे को 1 साल हो लिया, 1 साल से कोई सुध-बुध सरकार नहीं ले नहीं है। जैसे नागल साहब ने उस नाली का पुलिया का बताया, उस पुलिया का भी हम प्रदीप कौशिक डीएमसी साहब थे उनसे मिले थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, लेकिन वो बनी भी, लेकिन ठीक कह रहे हैं 15 दिन के बाद जो ही वो हुआ उसके बाद दोबारा वो टूट गई, क्योंकि रात को बनाई, ऐसा मटेरियल घटिया डाला, वहाँ पर 10 बोरी सीमेंट लगने थे, लगा दिए 2-3 लगा करके, वो रोड़ी आज भी खिंड रही है, लिपापोती कर रखी। अच्छा, और एक बात और बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि दुकानदारों की वोट नहीं है तो वो वार्ड मेंबर है और चेयरमैन है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे,
जो वार्ड पार्षद है उसका काम है वैसे। हाँ वार्ड पार्षद का काम है, उनके पास भी हम रिक्वेस्ट कर लिया, कई बार कर चुके हैं एक डेढ़ साल से, लेकिन वो भी कोई वो नहीं कर रहे क्योंकि वोट नहीं है। ये वो दुकानदार है इधर उधर से आके ना अपनी दुकान चला रहे हैं, बड़े शर्म की बात है ये। तो क्या कहना चाहोगे सर? भाई देखो ऐसा है, इस विषय में हम ना पिछले एक डेढ़ साल से लगातार प्रशासन से मिल रहे हैं, अपनी विनती कर रहे हैं, लेकिन समाधान कोई भी नहीं हुआ है। आज भी उन्हीं चीज़ों को लेके बिना बारिश के भी ओवरफ्लो रहती है नालियाँ, शिविर हैं वो ब्लॉक रहते हैं, शिविर का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, सिम विंडो पे भी लगा ली हमने, तो टेम्परेरी इंजन लगा के उनको नालों में खाली कर देते हैं शिविरों को। अच्छा। परमानेंट समाधान कोई नहीं है, वो फिर नाले ओवरफ्लो रहते हैं, 10-15 दिन में फिर ओवरफ्लो हो जाते हैं शिविर, फिर इंजन लगा के मोटर लगा के और नालों में खाली कर देते हैं। अब तक 2 साल से यही होता आ रहा है, समाधान कोई नहीं है। तो DMC साहब से आपने आज दरखास्त करी है, उन्होंने आश्वासन दिया है, कितने दिन का आपने अल्टीमेटम दिया? इन्होंने बोला जल्दी ही मैं जाके चेक करूंगा पहले, उसके बाद जितना भी शॉर्ट पीरियड दिया है जितना भी जल्दी हो सके हम पूरा करेंगे। एक दिक्कत और भी है वहाँ पर, क्योंकि दुकानदार हैं, सुबह सफाई की जो गाड़ी आती है ना, जो कचरा उठाने वाली, वो भी सुबह 8 बजे चली जाती है, 8 से पहले ही चली जाती है जब दुकानदार 9 बजे आता है। दूसरा जो पानी आता है सप्लाई का, वो सुबह 5 बजे आता है और शाम को 9 बजे आता है। ये भी कितनी बड़ी समस्या, दुकानदार तो 9 बजे 7 बजे तक 8 बजे तक रहेगा, मतलब सारी कई दिक्कतें हैं देसवाल कॉम्प्लेक्स में। तो सर किस तरीके से आप इसको ले रहे हो? अगर मान लो आके देखेंगे, कब ये देखेंगे, कब ये ठीक कराएंगे, उसके ऊपर कोई अल्टीमेटम, कितने दिन का कोई टाइम आपने दिया है, कितने दिन के अंदर हमारी समस्या नहीं होती, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? हम 7 दिन के बाद फिर DMC सर से मिलेंगे। अच्छा। उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे, अगर फिर हमारे को ऐसा लगा ये भी वार्ड मेंबर की तरह या चेयरमैन की तरह हमारे को टरका रहे हैं, तो हम जो मेन रोड है ना पुराने बस स्टैंड का, उसको जाम करेंगे। विधायक गीता बुकुल से भी मिले हैं? नहीं अभी नहीं मिले। अच्छा। तो आपका है अभी इसमें प्रोसेस है इसके अंदर उनसे मिलने मुलाकात करने का, उनको भी बताने का, क्योंकि चुनाव का टाइम है और उनको अगर करें तो ये जाओ काम जल्दी बने आपका। हाँ उनके पास भी जल्दी हैं, उसके बाद में सभी के पास जाएंगे, विधायक के पास भी जाएंगे, चेयरमैन साहब से मिलेंगे। 1 सप्ताह का टाइम है, इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं पब्लिक हेल्थ एक्शन को लिखता हूँ भाई, और उनको लिख करके और रिपोर्ट देते हैं कैसे क्या करते हैं, ये 1 सप्ताह के अंदर दोबारा से DC साहब इनको, हाँ इनको कहा है कि आप विजिट करो एक बार देखो, बोले जी मैं कोशिश करूँगा 2 दिन के अंदर विजिट करता हूँ इसके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे जज्जर में दुकानदार भाई हैं हमारे जो सर हैं, आए हुए हैं देशवाल कॉम्प्लेक्स। जज्जर मेन एरिया है, मेन मार्केट का एरिया है, जहाँ पे पुराना बस स्टैंड के सामने का एरिया है, गली में पानी की बहुत बुरी समस्या है, लगातार वहाँ पे आने वाले जितने भी आने जाने वाले ग्राहक हैं या आमजन हैं, उनको बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। मच्छरों की समस्या है, गंदगी की समस्या है, बदबू की समस्या है, और सरकार जो पिछले 1 साल से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार लोग मिल रहे हैं लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आज DC साहब से मुलाकात हुई है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते के अंदर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो दोबारा से जो है दुकानदार भाई दोबारा आके मिलेंगे और इस समस्या को लेके हो सकता है एक विधायक जी के पास भी जाना पड़ जाए। तो लगातार ये समस्या का समाधान चाहते हैं सरकार से, सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के जरिए आप भी अपने सुझाव दीजिए, और ऐसे ही जनता की समस्या लेके हम दोबारा आते रहेंगे। देखते रहिए सबकी खबर TV। बहुत बहुत धन्यवाद।